एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा, फिर से सेम वैसा ही एक सिलेक्शन और आज आपके फार्म पे देखने को मिला। लोग कहते हैं बड़ी बड़ी लेवटी वाली झोटियां मिलती नहीं, आप कहां से निकाल निकाल कर खेल रहे हो? देखो जी, मुझे तो बचपन से ही शौक है जी, मेरी उम्र भी नु मान लो 30 साल हो गई है। ठीक है, अब आते हैं पशुधन पे, क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ डिटेल से एक बार बता दीजिए। सेकंड टाइमर है जी, सेकंड टाइमर जी। हाँ, और 14 दिन बच्चे दिए हुए हैं। 14 दिन की ब्याई हुई है। 14 दिन नीचे बच्चा, आज के दिन नीचे बच्चा मेल काफ है, मेल काफ और M29 का बच्चा है। M29 का मेल काफ आप यहाँ पे देखिएगा। 14 दिन की ब्याई हुई सेकंड लैक्टेशन में जो झोटी है वो, और मौके पे दूध आज कितना है? फिलहाल मौके पे आज मान लो 19 लीटर ठंडा है। 19 लीटर दूध ठंडा है, ठंडा है। थनों के कूप दिखा देना चाहेंगे पशुपालकों को, ये देखिएगा जबरदस्त जो पोसाव है वो आपको देखने को मिलेगा। तो आनंद भाई एक बार थन धो लो खाली बाल्टी दिखा करके, और धार एक बार चारों थनों की मार के दिखा दो। सबसे पहले अगले दोनों थनों का दूध, ये देखिए आप पिछले थनों का और एक बार दिखा दीजिए। ये देखो जी, अब आते हैं आनंद भाई कीमत मोल भाव इस तरह के पशुधन। पिछला भी आपने बिल्कुल रीजनेबल सा रेट था उसमें दिया था, रीजनेबल रेट रखा था जी। ठीक है, लेकिन मैं तो बेस्ट ही मानूंगा, मैं तो यही सोच रहा हूँ भाई 20+ ही जाएगी भैंस, ठीक है नीचे नहीं रहेगी। ठीक है, ठीक है, हाँ। तो रीजनेबल सा रेट देने वाले नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ संदीप और एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल विराज डेयरी एंड फार्मिंग में। आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, सुरक्षित होंगे। तो एक बार फिर से काफी सारे पशुपालक भाइयों की डिमांड पे मैं कहूंगा 2023 की लास्ट वीडियो सेकंड टाइमर झोटी बिगेस्ट अंडर क्वालिटी में आप यहाँ पे देखिएगा, काफी बेहतरीन और उन्नत क्वालिटी का जो पशुधन है लेकर के पशुपालकों के बीच में हाजिर हुए हैं। डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी का गाँव है गुरावड़ा, और जो युवाओं का रुझान बिल्कुल कम उम्र के बिल्कुल युवा चेहरे हैं आनंद यादव भाई। एक जबरदस्त जो लेवटी का पशुधन है, पहले भी वीडियो में इन्होंने उतारा, आज फिर से एक बार बिगेस्ट अडर जो बफलो है सेकंड लैक्टेशन में आप सब पशुपालक भाइयों के समक्ष लेकर के आए हैं, सामने लेकर के आए हैं। उम्मीद करूंगा वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी, और जो एक समय की मिल्किंग है रेफरेंस के लिए पशुपालकों के सामने मैं कहूँगा दिखा करके, हमारा फर्ज हमारा काम सिर्फ इतना ही है। तो आनंद यादव भाई हैं, सीधा इन्हीं के पास लेकर के चलेंगे, जानेंगे डिटेल्स। नमस्कार आनंद भाई। नमस्कार सही भाई को, राम राम जी। कैसे हो, ठीक हो? बिल्कुल ठीक है जी। पिछली वीडियो का पशुधन सेल आउट हो गया, पिछली वीडियो का पशुधन सेल आउट हो गया, वो गई बैरोज अलवर, अलवर में गई है। ठीक है, और ऑनलाइन पेमेंट हुई थी। हाँ, ऑनलाइन ही दूसरे दिन उस भाई की। ठीक है, क्या कुछ कॉल रिस्पॉन्स भाइयों, अपने पशु का दूध बढ़ाने के लिए, अच्छे पसाव के लिए और टीका छुड़ाने के लिए एलडीएम के साथ मिल्क मास जेएस की गोली जरूर दें। और हाँ, आप इसे ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं फ्लिपकार्ट और अमेज़न से, और यह दोनों हरेक मेडिकल स्टोर पर भी उपलब्ध है। कॉल रिस्पॉन्स इससे इतने कॉल रिस्पॉन्स थे मुझे, जितने भाई नहीं थे भाई तो मैं उसके लिए माफी चाहूंगा, बहुत ज्यादा। ठीक है भाई, सोचते मेरे पास कॉल ही बहुत ज्यादा, आज भी फोन बज रहे हैं उसको लेकर के आज तक फोन आ रहे हैं। ठीक है, हाँ जी। एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा, फिर से सेम वैसा ही एक सिलेक्शन और आज आपके फार्म पे देखने को मिला। लोग कहते हैं बड़ी बड़ी लेवटी वाली झोटियां मिलती नहीं, आप कहां से निकाल निकाल कर खेल रहे हो? देखो जी, मुझे तो बचपन से ही शौक है जी, मेरी उम्र भी मान लो 30 साल हो गई है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और मेरा जैसे मैंने बताया था, मुझे एचएफ गायों का रुझान था। हाँ हाँ। लेकिन वो भी ऐसी थी जी कि मैं उनको मतलब कोई बाहर का भी आ जाता ना वैसा कोई भाई देखने वाला, मैं हाँ फिर हाँ। भी एक साइड बांधता था, क्योंकि एबीएस क्वालिटी डेनमार्क 1416 जी, हर चीज मतलब क्वालिटी की चीज मुझे पसंद करना बहुत परफेक्ट लगता था जी, जी, जी। भैंसों का ऐसा था, भैंसों का मुझे ऐसा नहीं पता था कि भैंस 30-32 लीटर 35 लीटर तक दूध भी देती है। हाँ, हाँ, हाँ। भाई हमें गाय का पता, गाय 40-42 ठीक है, 70 तक रिकॉर्ड करवाया सब चीज है जी, क्योंकि गाय में क्वालिटी अलग होती है दूध देने की कैपेसिटी। लेकिन भैंसों के जरिए सुना, फिर भैंसों की फील्ड में आए, ठीक है, और वैसे ही उनके बारे में सीखा, तो शौक ही रह गए। इसको अच्छा पशुधन लेना है, अच्छा ही पशुधन मेरे पास सिलेक्टेड मिलेगा। बताया भी मैंने 13 लीटर से ऊपर ही मिलेगा, नीचे नहीं मिलेगा जी, 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 जी। तो आनंद भाई इससे भी उम्मीद कर रहे हैं काफी अच्छा दूध देगी, इससे काफी उम्मीद कर रहे हैं, मन में तो यही था भाई लाइव मिल कराए। लेकिन बहुत भाई हो गए, मैं कॉल रिस्पॉन्स नहीं हो पा रहे थे, लेकिन मैं तो सोचा मैं भाई चलो कोई नहीं, मेरे पास कल ही आई है।
जी, और सबको पता है पशुओं का कम से कम 4 या 5 दिन मन लगता है, 4-5 दिन में सेट होने लगता है। लेकिन ये आई, इसने थोड़ा खाना अपना स्टार्ट कर दिया, मैं गुल्लू अभी दिखा दे, जो भाई का आगे दूध तुलवाएगा जी उसमें उसका भी नाम है हमारा भी नाम। ठीक है, अब आते हैं पशुधन पे, क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ डिटेल्स एक बार बता दीजिए। सेकंड टाइमर है जी, सेकंड टाइमर जी हाँ, और 14 दिन बच्चे दिए हुए हैं, 14 दिन की ब्याई हुई है, 14 दिन नीचे बच्चा, आज के दिन नीचे बच्चा मेल काफ है, मेल काफ और M29 का बच्चा है, M29 का मेल काफ, आप यहाँ पे देखिएगा 14 दिन की ब्याई हुई सेकंड लैक्टेशन में जो झोटी है वो। और मौके पे दूध आज कितना है फिलहाल? मौके पे आज मान लो 19 लीटर ठंडा है, 19 लीटर दूध ठंडा है बिल्कुल। ठीक है, देखिएगा सेकंड लैक्टेशन में पशुधन बिल्कुल शांत, बिल्कुल ठंडे स्वभाव का मैं कहूंगा, चेहरे मोरे की बनावट से लेकर के नीचे अडर आप देख सकते हैं। दिखाने को तो मैं तो 20 काट के लेकर, लेकिन आज आयकल आई है तो 20 जी जी दिखा दो उसमें। बिगेस्ट अडर जो बफलो है वो हम कह सकते हैं सेकंड लैक्टेशन में, ये देखिएगा भरा पूरा लेवा, और मैं कहूँगा जबरदस्त जो अडर क्वालिटी है वो इसमें आपको देखने को मिलेगी, काफी बेहतरीन, काफी शानदार जो पशुधन है वो पशुपालकों के समक्ष जितनी बार भी भाई के यहाँ से हमने वीडियो कवर करी है उतनी ही बार अच्छी और उन्नत क्वालिटी का जो पशुधन है पशुपालकों को देते हैं, दिखाते रहते हैं। फिर से सेकंड टाइमर झोटी लेकर के चेहरे मोरे की बनावट से अडर की क्वालिटी, कद काठी पीठ बॉडी वेट आप देख सकते हैं, हर तरीके से बेजोड़ इस तरह का सिलेक्शन आनंद यादव डेयरी फार्म है ये, और यहाँ पे पशुपालकों को मिलता रहता है, तो काफ़ी अच्छी भैंस, काफ़ी अच्छा जो पशुधन है। आज की वीडियो में एक समय की जो रेफरेंस के तौर पर जो लाइव मिल्किंग है वो भी दिखाएंगे, तो देखिएगा रेफरेंस के लिए पशुपालकों के समक्ष जो मिल्किंग वीडियो है लेकर के हाजिर हुए हैं। और इस मिल्किंग को फिर से एक ही रिक्वेस्ट, फाइनल ना मान करके 2-3-4-5 बार जब तक आप लोग पूर्ण रूप से संतुष्ट ना हो जाएं, पशुधन को देखते रहें, जांचते रहें, परखते रहें। सेकंड लैक्टेशन में बिगेस्ट अडर जो बफलो है जिसको हम कह सकते हैं वो आप यहां पे देख सकते हैं। इस डेयरी फार्म से जितनी भी वीडियोज़ हम लोगों ने आज तक कवर करी हैं, बेहतरीन बेहतरीन सिलेक्शन के साथ जो झोटियां हैं निकाल निकाल करके लाते हैं, फिर उसी तर्ज पे आज का काफ़ी शानदार पशुधन, काफ़ी ज़बरदस्त अडर क्वालिटी, चेहरे मोरे की बनावट से लेकर के मैं कहूँगा पीठ बॉडी वेट हर तरीके से बेजोड़, और दूध है वो आप सब पशुपालकों के समक्ष आई जाएगा। तो इस मिल्किंग को रेफरेंस के लिए इसी में मैं ऐड कर रहा हूँ। समय का मिलान एक बार पशुपालकों के लिए मैं ज़रूर करना चाहूँगा ताकि किसी तरह की कोई गुंजाइश, कोई शंका, कोई डाउट, कोई शक ना रहे। तो जो समय है वो गूगल की टाइमिंग के अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे देख सकते हैं, और समय आप यहाँ पे देखिएगा। ओके गूगल, नाउ प्लीज टेल मी द एग्जैक्ट टाइम एंड डेट। ये देखिएगा जी 5:16 28 दिसंबर को थर्सडे के दिन जो वीडियो है यहाँ से कवर कर रहा हूँ, और डिस्ट्रिक्ट लगता है ये रेवाड़ी का गांव है गुरावड़ा, नज़दीक से एक बार पोसा वगैरह है, थनों के कूप दिखा देना चाहेंगे पशुपालकों को। ये देखिएगा जबरदस्त जबरदस्त जो पोसाव है वो आपको देखने को मिलेगा। तो आनंद भाई एक बार थन धो लो खाली बाल्टी दिखा करके, और धार एक बार चारों थनों की मार के दिखा दो। ये देखो जी जबरदस्त अडर है, किसी तरह की कोई गुंजाइश नहीं, सेकंड लैक्टेशन में जो झोटी है वो जबरदस्त जबरदस्त अडर क्वालिटी के साथ। तो खाली बाल्टी आप यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले अगले दोनों थनों का दूध, ये देखिएगा आप पिछले थनों का और एक बार दिखा दीजिए। ये देखो जी जो दूध मोटी चुवाई जी, जो धार चुवाई है वो आप सब पशुपालकों के सामने, अडर की क्वालिटी है वो आप लोग देख लीजिएगा, किसी तरह की कोई गुंजाइश नहीं। ठीक है भाई निकाल लो। तो मिल्किंग का हरियाणा में जबरदस्त जो क्रेज है आज के दिन मुर्रा के पशुधन को लेकर के, जबरदस्त जबरदस्त जो भैंसे हैं टाइम टू टाइम निकल निकल करके आ रही हैं, उन्हीं में से एक सेकंड लैक्टेशन का पशुधन। और इस डेयरी फार्म ने मैं कहूँगा सबसे बड़ी हिम्मत दिखाई, 15 किलो दूध तोला, फिर 16.5 के करीबन दूसरा जो दूध है वो तोला, और दोनों झोटियाँ इस डेयरी फार्म से हमारे पशुपालकों ने खरीदी।
तो कम मिल्किंग 18-18, 20-20 किलो दूध तो लोग दिखाते हैं, लेकिन 15 और 16 की जो मिल्किंग है भाई ने हिम्मत दिखाई। इसके बाद में बहुत सारे युवा, मैं कहूँगा मिल्किंग का क्रेज़ दोबारा से बढ़ा। डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी की अगर हम बात करें तो काफ़ी सारे पशुपालक हैं, राजू करोली सर हैं, धनपत भाई हैं, सतीश कोटिया जी, काफ़ी मैं कहूँगा अच्छा दूध 20 किलो जो दूध है उसने तोला, नमस्ते बेटा। और ये आप देखिएगा काफ़ी अच्छी झोटी है, काफ़ी अच्छी भैंस, बिल्कुल शांत शराफत से भरपूर ठंडे स्वभाव का जो पशुधन है वो। और इस मिल्किंग को फाइनल ना मान करके मैं कहना चाहूँगा पशुपालकों से, खुद आएँ 2-3-4-5 बार, जब तक आप लोग पूर्ण रूप से संतुष्ट ना हो जाएं, पशुधन को देखते रहें, जांचते रहें, परखते रहें, जबरदस्त अर्डर क्वालिटी में जबरदस्त जो मिल्किंग है वो आपको देखने को मिलेगी। चुवाई कैसी आनंद भाई, फुल्ली चुवाई? एक नंबर बिल्कुल जी, ठीक है, बहुत फुल्ली चुवाई है जी। तो ये देखिएगा दो भैंसे जबरदस्त अर्डर क्वालिटी में बैक टू बैक इस डेयरी फार्म से निकल करके आई हैं। पिछली भी वाजिब सा जो दाम, वाजिब सी जो कीमत थी उसमें, और उम्मीद करेंगे कि ये भी अच्छी खासी जो कीमत है, बिल्कुल वाजिब सा जो दाम है पशुपालकों को देखने को सुनने को मिलेगा। और बिल्कुल सॉफ्ट चुवाई, दो जने जो दूध है वो निकाल रहे हैं, इनकी माताश्री आप देखिएगा, बिना मातृशक्ति के मैं कहूँगा पशुपालन हो या फिर खेती बाड़ी, कोई भी चीज़ पॉसिबल, कोई भी चीज़ मुमकिन नहीं है। और उसी की तर्ज पे सुस्पष्ट जो लाइव मिल्किंग है वो आप सब पशुपालक भाई यहाँ पे देख पा रहे हैं। खाने दाने में क्या कुछ दे रहे हो अभी डाइट में इसको? बिनोड़े वाली खड़े, चने का छिलका, हाँ, और भाई उसमें गुड़ जरूर गिरता हूँ। ठीक है, क्योंकि सर्दी का टाइम और गुड़ बिना। दांतों में कैसे, ये चेक करिए आपने? दांतों में भरे भाई, दांत भरे हुए दांत है। ठीक है, ये भी भाई 100 पशु छाट के मान लो एक पशु निकालना पड़ता है दूध जी, जी जी जी, और भी देखना पड़ता है गाड़ी कितनी ही चल रही है। बिल्कुल, अब ये 2 से ऊपर है तो सिलेक्शन भाई का बिल्कुल बेटर से बेटर सिलेक्शन मैं कहूँगा। ऐसा ही एक उदाहरण हम सबके सामने पहले भी देखने को मिला था, डिस्ट्रिक्ट चरखी दादरी का गाँव है गुडाना, जितेंद्र सांगवान भाई हैं। शुरू में बिल्कुल नॉर्मल भैंसे जब उनकी वीडियो की शुरुआत करी गई, और लास्ट में मैं कहूँगा जाते 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 आज के दिन जो बिगेस्ट अर्डर क्वालिटी की टॉप क्वालिटी वाली जो भैंसे हैं उस डेयरी फार्म पे आपको मिलेंगी। सेम वही चीज़ आनंद भाई के फार्म पे हमें देखने को मिली। शुरुआत हुई थी बिल्कुल नॉर्मल भैंसों से, आज देखिएगा सिलेक्शन मैं कहूँगा वो एक स्लोगन है इंग्लिश में, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो किसी भी चीज़ में अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो न सिर्फ हमें अच्छा अनुभव होगा बल्कि कहीं ना कहीं जो सिलेक्शन है वो भी बेटर रहेगा। उड़ जा लिया अंकल जी शायद इसमें। तो ये देख सकते हो जबरदस्त जो चुवाई है वो, और जिसकी चुवाई होगी ना जो दूध है वही भैंस दूध निकालेगी जी। ठीक है, हमको पता है भाई 16-17-18-20 जब जाएगी ना, और ये तो ये बात हो, अबे मैं तो कल ही लेके आया हूँ, लेकिन मैं तो भी इसी कार्ड के लेके आया हूँ जी जी जी। ठीक है, अभी जितना दिखाएगी तुम्हारे आगे मैं दिखा देंगे। ठीक है, 20 लीटर दूध आप 20 डब्बे माप करके ले, बिल्कुल ठंडा जी, बिल्कुल ठंडा। ठीक है, और 20+ रहेगी, नीचे नहीं रहेगी। अच्छा, ठीक है, तो देखिएगा ये देखने वाली चीज है, कोई भी पशुपालक भाई आए और खुद अपने हाथों से चुवाई करके ले जाए। पिछली जो भैंस थी उसकी, उसका दूध वगैरह भाई देख करके लेके गए थे या व्हाट्सएप वीडियो कॉल पे आपने दिखाया? एक पानीपत के आ रहे थे मेरे पास। ठीक है, तो वो आ गए थे, वो धार निकालने के लिए बैठ गए थे, मेरे को देख लो भाई तुम। ठीक है, लेकिन उनको ना तो कोई मेरी बात हुई भाई आपस में, वो तो आते ही बोले भाई धार छोड़े, कोई भी बात हुई सौदागरी लाइन वाली बात बताऊँ, कोई भी आता है मैं भी जाता हूँ, जब तक साई नहीं होती जब तक पशु का कोई दूध नहीं दिखाता, कोई ऐसा बंदा नहीं जो दूध दिखाएगा। बिल्कुल,
तो वो बैठ के ठीक है, मैं बोलो ठीक अंकल धार निकाल लो कोई बात नहीं, मैं फिर भी मैंने दिखा दिया दूध में, चलो कोई दिक्कत हाँ, नहीं हाँ। पैसे कोई बड़ी, मेरे लिए पैसे कोई बड़ी चीज़ नहीं, इंसान सबसे बड़े हैं। ठीक है। तो मैं जब वो दूध निकाल रही थी, मैं बैठा है बस फोन को छेड़ने लगा, मैंने फोन पे देखा व्हाट्सएप पे, उस भाई ने मेरे अकाउंट में सीधा ही 70,000 पहले ट्रांसफर कर दिए। अच्छा। बोले मैंने पेमेंट डाल दिए और कुछ आज मेरे से खाते से इतने ट्रांसफर होंगे और मैं कल कर दूंगा। मैं ठीक है भाई कल कर देना। तो वो बोला भैंस मेरी हो चुकी है, अब उसने इतने पैसे डाल दिए, वो कैसे मना करे, अब क्या करें। ठीक है। तो मुझे भैंस तो अंकल उधर दे दी, फिर वो करने लगे भाई देख ले। मैं भाई अब तो क्या बताऊँ, मुझे पैसे आ लिए, अब तो अगले को मंगानी थी, विश्वास है लोगों को, मैंने दूध तुलवा तुलवा दिखा रखा है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। वो भी मेरे पास आई थी भैंस जी, धीरे धीरे कोई पशु होता है, मैं तो पहले बताता हूँ, कम से कम एक हफ्ता पशु कोई भी होता है धीरे धीरे सेट होने में लेता है। बिल्कुल, बिल्कुल। कोई कोई भैंस होती है जो एक आधी, जिसको यही नहीं बस उसको तो खाने से मतलब आगे दूध देना है। असली भैंस की पहचान तो यही है, असली तो दूध की होती है। सही बात। इसको लिया मैं तो ये तो आते ही कल से खाने लग गया, अपना दूध दिखाने लग गया। ठीक है। तो देखिएगा जी, बाल्टी में जो दूध है धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ आ रहे हैं, ये आप देखिएगा, धार चौड़ाई काफ़ी अच्छी खासी, और अड्डर का जो झड़ाव है वो भी एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट अभी देखने को मिल रहा है। साथ साथ जो अड्डर है देखिए बिल्कुल झड़ता जा रहा है, बिल्कुल पतली चमड़ी की सेकेंड टाइमर झोटी, और पतली चमड़ी का जो पशुधन है उसको अक्सर दूध निकालते देखा है काफ़ी तादाद में, ज़्यादा तादाद हम कह सकते हैं, और उसी की तर्ज पर बाल्टी आप देखिएगा, चौड़े पैंदे की बाल्टी है, धीरे धीरे करके ऊपर आ रही है। खाने दाने में अभी क्या दे रहे हो इसको? वैसे बिनोले वाली खल, चने का छिलका और गुड़। ठीक है। ना तो मैंने कोई चूरी गेरता, ना मैंने कुछ और गेरता भाई, लेकिन हाँ अपना दलिया है वो ज्यादा दलिया होता है, उसको फूक के ज्यादा वो होता है। ठीक भाई है। बाजरे का दलिया और गेहूं का, बाजरा का जरूर होना चाहिए। बाद में बच्चे को नहीं छोड़ते क्या? नहीं थोड़ा छोड़ दूंगा। छोड़ते ये बच्चे को छोड़ देते। और ये दूध देख, ये देखो जी बाल्टी में दूध, और किसी तरह का टाइम नहीं लगा हुआ। एक बात मैं बताना चाहूंगा, 5:30 बजे दूध निकाला था आनंद भाई का, 12 बजे मेरे पास कॉल आई थी और कह रहे थे कि कल वीडियो शूट करेंगे, लेकिन मैंने बोला कि आज ही कर लेते हैं, तो भाई ने बोला कि आ जाओ फिर आज ही कर लेते हैं। तो देखिएगा अगर कोई इस तरह की प्री प्लान कोई एक्टिविटी होती तो आज भाई नहीं बुलाते, कल ही जा करके जो वीडियो है वो कवर होती, शूट होती, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी यहाँ पे देखने को नहीं मिला। बाल्टी में दूध है वो आप देख सकते हैं, लीटर माप करके तोल करके आप सब पशुपालकों को बिल्कुल दिखा दिया जाएगा, साफ सुथरा जो कामकाज है भाई का वो, और किसी तरह की मैं कहूँगा कोई गुंजाइश यहाँ पे नहीं रहने वाली। ये खाली बाल्टी। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, 2-3 बार पलट दो। ठीक है, माप दो। ये लीटर और ग्लास ही दे रहा। ठीक है। एक एक दो दो तीन चार पांच छः सात, थोड़ा सा ना थोड़ा सा और ज्यादा डाला करो, थोड़ा सा कमी रह जाती है 19-20 की। और डाल दो ऊपर तक, कर दो ऊपर तक, कर दो और डालो थोड़ा सा, ये भी कर रहेगा देख रहे तो ऊपर तक ही। कोई बात नहीं। ठीक है, कितने हो गए? आठ आठ
ये देखो जी, नो और एक थोड़ा माड़ा ठीक है, और किम बच्चे को छोड़, कुछ बच्चे को, तो 9 लीटर आपने भरे हैं, कुछ बच्चे को भी पिलाए हैं, 19 लीटर दूध आज के दिन आप बता रहे हो। बिल्कुल। और हार्डर का जो चढ़ाव है, सबसे पहले वो पशुपालकों को दिखा देता हूँ, ये देखिएगा बच्चा अभी भी दूध पी रहा है। अब आते हैं आनंद भाई, कीमत मोल भाव इस तरह के पशुधन, पिछला भी आपने बिल्कुल रीजनेबल सा रेट था उसमें दिया था, रीजनेबल रेट रखा था जी, ठीक है, लेकिन मैं तो बेस्ट ही मानूंगा, मैं तो यही सोच रहा हूँ 20 प्लस ही जाएगी भैंस, ठीक है, नीचे नहीं रहेगी, ठीक है, ठीक है। तो रीजनेबल सा रेट देने वाले 155,000 रुपए, 155,000, 155,000, ठीक है। मान सम्मान की कोई गुंजाइश? मान सम्मान देखो 1,500 मैं वो कहता नहीं, 1,500 गुंजाइश होगी ज्यादा, ठीक है जी जी। और सिलेक्शन आपको पता ही है, मैंने पीछे पहले ही बता दिया, पीछे से भैंस चौड़ी सिंगल हड्डी की भैंस ही होती है, और पूंछ को सबको पता है 6 इंची पूंछ, अगर 6 इंची पूंछ मुर्रा कैटेगरी तो होती है, ठीक है, ठीक। अगर अगाड़ी 2 से ऊपर चल रही है, हाँ, तो वो भैंस ऑटोमेटिक 20 लीटर के लगभग समथिंग करेगी जी, ठीक है, हाँ, टाइम को 4-5 लीटर तो वैसे ही होगा ठंडा, ठीक है। और अभी दूध पे चल रही है तो मान लो भाई और भी दूध हम तो ऊपर ही करेंगे, लेकिन जी एक बात बता दूं, फर्स्ट टाइमर का इसका 18 तो काटे का ही दूध था, ठीक है, फर्स्ट टाइमर का ही, ठीक है, हाँ। तो 155,000 रुपये जो कीमत कोस्ट है भाई ने वो रखी है, उम्मीद करूंगा वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी, और सेल के लिए अवेलेबल है, तो एक बार जरूर इनसे संपर्क करें।